हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। आज का दिन है 15 सितंबर का और 17 सितंबर को होने वाली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी के साथ साथ। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा था और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ दिख रहा था, तो आज फाइनली सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी। निफ्टी की अगर हम बात करें 11500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज का जो क्लोजिंग लेवल है 11521 का, 81 अंकों की शानदार तेजी, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके जो है निफ्टी कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें इंट्राडे लेवल्स की तो 11536 के आसपास का निफ्टी का हाई था और 11442 का निफ्टी का आज का लो लगता हुआ दिखाई दिया। एक बात तो है दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में कि बाय ऑन डिप्स पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दिया। दिन में एक छोटी भी डिप आती है तो वहाँ पे अच्छी खासी जो बाइंग है वो आपको इमर्ज होती हुई दिखाई देती है और खासकर लगातार छोटी सी डिप में भी निफ्टी में अच्छे खासे बाइंग लेवल यहां पे इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर आज के दिन आईटी स्टॉक्स ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने को जरूर मिली। बैंक निफ्टी ने सेकेंड हाफ में निफ्टी को अच्छा खासा सहारा दिया, 364 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बैंक निफ्टी निफ्टी को अब लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में अब थोड़ा फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है जहां पे, और आज उसका पहला सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दिया 22465 के आसपास। इंडसइंड बैंक 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, निफ्टी का टॉप गेनर रहा। लगभग 3% की तेजी सिप्ला में देखने को मिली, यूपीएल भी ऑलमोस्ट 2.75% तेज था, एक्सिस बैंक में भी 2.5% तक की तेजी देखने मिली और भारतीय एयरटेल भी 2.3% तक जो है आज के दिन मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात करें तो टाइटन में लगभग 1.35% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मारुति के शेयर में भी 1% से ज्यादा गिरावट थी, एचडीएफसी लाइफ 1% तक कमजोर होता हुआ दिखाई दिया, आईशेयर मोटर में 0.85% की गिरावट देखने को मिली और आईटीसी में भी आज लगभग 0.8% गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें एफआईएस के डेटा की, किस तरीके से एफआईएस कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फाइनली 15 सितंबर दिन आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 1170 करोड़ की जो है बाइंग के फिगर आपको देखने मिलेंगे एफआईएस की तरफ से। वहीं अगर डीआईएस की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 895 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर एफआईएस की तरफ से बाइंग के नंबर देखने को मिलते हैं तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छा खासा जो लेवल है वो निफ्टी में आगे चल के और देखने को मिल सकता है, बाइंग इमर्ज हो सकती है। लेकिन बात करेंगे अब निफ्टी के डेटा की, किस तरीके के डेटा बनते हुए दिखाई दे रहा, कौन सा लेवल जो है इंपॉर्टेंट होता हुआ दिख रहा है। आज जैसे ही 11500 का लेवल पार होता हुआ दिखाई दिया तो 11500 के पुट पे एक अच्छा खासा एडिशन आज के दिन देखने को मिला। लगभग 9,61,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन जो है आज निफ्टी में यहाँ पे ऐड होती दिखाई दी पुट राइटर्स की तरफ से और ऑलमोस्ट 18,36,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेस बनाने की कोशिश जो है निफ्टी कर रहा है 11500 के आसपास पे। अब देखना होगा क्योंकि आज ये सारे सारे जो है फ्रेश पुट राइटर्स हैं, तो कल के दिन यहाँ पे इनकी पोजीशन अगर होल्ड हो जाती है तो फिर आपको देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट क्या 11600 के पार निकलने की कोशिश करता है या वापस 1500 के नीचे जाएगा। हालांकि स्ट्रेंथ इतनी है कि निफ्टी का नीचे जाना पॉसिबल फिलहाल यहां पे अभी की कंडीशन देख के तो नहीं लग रहा है, इवन कि कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तब। लेकिन 11400 के पुट की अगर हम बात करते हैं तो 6,61,000 शेयर आज नए जुड़ते हुए दिखे हैं, 24,47,000 शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम बात करें, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11400 पे देखने को मिला, 11000 के पुट पे 25,00,000 शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो ये बहुत ही दूर है। लेकिन 11400 एक अच्छे खासे बेस का काम करेगा कहीं ना कहीं। वहीं अगर हम बात करें आज के दिन 11400 पे सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया, 11300 का लेवल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 18,82,000 शेयर यहां बने हुए, 88,000 शेयरों की माइनर एडिशन यहां पे आज के दिन देखने को मिली, प्रीमियम मात्र 10 रुपए के आसपास की है, तो कोई भी ज्यादा दूर की पोजीशन जो है शॉर्ट करने से अच्छा है पास की पोजीशन शॉर्ट करेगा सोच रहा है तो। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, हालांकि वॉलेटिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 20 के आसपास आती हुई कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत भी है बुल्स के लिए कि वो यहाँ पे तेजी सोच सकते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी में खासकर वो गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, वो वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है जो कि बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, तो निफ्टी में पुट शॉर्ट करना ज़्यादा सेफ्टी है इवन कि आप बैंक निफ्टी का पुट शॉर्ट कर दें। लेकिन अगर कॉल साइड में हम बात करें 11400 के लेवल पे आज के दिन लगभग 4,19,000 शेयर जो अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए, 11500 पे अगर हम बात करें तो 4,18,000 शेयर अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए आज के दिन,
375,000 शेयर 11,450 से अनवाइंड हुए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पोजीशन जो है इन द मनी कॉल में अनवाइंड होती हुई दिख रही है। और जो फ्रेश एडिशन है वो आपको 11,600 और 11,550 के कॉल पे भी देखने को नहीं मिलेगा। 11,500 कॉल पे हालांकि अभी भी 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी अभी बड़ी पोजीशन अनवाइंड होना बाकी है। कल के दिन पता चलेगा, अगर कल के दिन यहाँ पे 11,500 के ऊपर हम जाके कंटिन्यूस काम करते हुए दिखाई देंगे तो फिर 11,500 से और बड़ी पोजीशन करती हुई दिखाई देगी, जो कि 11,600 की तरफ हमको ले जा सकती है कल के दिन। यहाँ पे 11,600 की अगर हम बात करें, 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है कहीं ना कहीं, तो 23 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट और यहाँ 2.25 लाख शेयर जो है आज के दिन यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में देना होगा 11,600 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। 11,500 पे भी अभी बड़ी पोजिशन बनी हुई है, तो जो ऑप्शन राइटर होंगे वो चाहेंगे किसी भी हाल में कि 11,500 के आसपास ही जो है एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ गया और किसी तरीके से इनकी पोजीशन कटनी चालू हो गई जिन्होंने यहाँ कॉल राइट किया, तब फिर आपको एक अच्छा खासा प्रेशर टूवर्ड्स मिल सकता है। और अगले हफ्ते फिर जो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी, और उस कंडीशन में अगर 11,600 के लेवल के पार अगर क्लोजिंग आ जाती है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये वीकली क्लोजिंग 11,600 के 11,650 के आसपास आ जाती है, तो फिर अगले हफ्ते आपको एक फायरवर्क्स देखने को जो है ऊपर की तरफ मिल सकता है। हालांकि 11,700 की कॉल पे भी एक बार हम जाते रहते बात कर लें तो लगभग 26 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यही बना हुआ है। 11,700 तक की उम्मीद की जा रही है, 2,41,000 शेयर जो है यहाँ पे भी नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जो निफ्टी की रेंज है कहीं ना कहीं अपसाइड में ही होती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कोई ज़्यादा बड़ी रेंज की यहाँ पे उम्मीद फिलहाल नहीं है। कल के दिन की भी अगर हम बात करें 11,400 से 11,600 यही उम्मीद लगाई जा सकती है, अपसाइड की उम्मीद ज़्यादा है, नीचे की उम्मीद कम है। लेकिन अब बात करें बैंक निफ्टी की, किस तरीके से बैंक निफ्टी में लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल पर नज़र रखना है, क्योंकि आज फाइनली 22,500 के करीब जाने की जो कोशिश है बैंक निफ्टी ने की है। तो अब कल के दिन 22,500 वालों के लिए इम्पोर्टेंट दिन होगा, जिन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी पोजीशन जो है बना कर रखी है। 22,500 के कॉल पे आप नज़र डालेंगे तो 22,500 के कॉल पे कहीं ना कहीं 11,14,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ से आज के दिन कोई भी बड़ी पोजीशन जो है नहीं कटी है। और वो शायद एक दिन देखना चाहते होंगे कि कितने लोग यहाँ पे कब तक निफ्टी बैंक निफ्टी ये रोक सकता है। लेकिन अगर कल के दिन 22,500 के ऊपर ओपनिंग होती है और एक आध घंटा टिक जाता है, तो उसके बाद आपको फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इस 22,500 के ऊपर मार्केट टिकने के बाद देखने को आपको मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें 23,000 के कॉल की, तो 23,000 के कॉल पे भी लगभग 10,90,000 शेयरों का ऊपर इंटरेस्ट है, 1,42,000 शेयर जो है यहाँ से अनवाइंड होते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं 23,000 के कॉल में आज अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो अगर कोई भी बुरी न्यूज़ आती है तो फिर 11,500 जो शेयर यहाँ पे 22,500 के कॉल पे बने हुए हैं, इन लोगों की तरफ से अनवाइंडिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि मार्केट को फिर कहीं ना कहीं 23,000 तक लेके जा सकता है। इस हफ्ते की एक्सपायरी में 23,000 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता, एक दिन में 1,000-1,500 पॉइंट की अगर रैली हो गई जिस तरीके से आईटी इंडेक्स में कल के दिन देखने को मिली थी, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गिरावट जो है बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा शार्प हुई थी। 25,000 से हमने 22,000 का लेवल देख लिया, लगभग 3200 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट है बैंक निफ्टी में हो चुकी है। तो बाउंस भी होगा, वो थोड़ा तेज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अब सिर्फ बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स ही ऐसे बचे हैं जहाँ पे अच्छी खासी तेजी जो है वो नहीं हुई है, बाकी सारे सेक्टर लगभग अब परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निफ्टी को अगर चलना है तो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस जरूरी होगा। 22,500 के पुट पे भी लगभग अभी 6 लाख शेयर जो है टोटल बने हुए हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि 6 लाख शेयरों के बाद यहाँ पे किस तरीके से पोजीशन जो है सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी। हालांकि अच्छा खासा एक सपोर्ट कहा जा सकता है, लेकिन अब 22,500 के नीचे जो है वो मंदी होती हुई दिखाई देगी। 22,000 जो है एक सपोर्ट के रूप में अब काम करेगा इस हफ्ते के लिए। ऑलमोस्ट 9 लाख शेयर्स की जो है यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट में शेयर देखने को मिलेंगे, और 2,07,000 शेयर जो है आज के दिन नए जुड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में काम काज कर सकता है बैंक निफ्टी। पूरे हफ्ते की रेंज या कल की रेंज की भी अगर हम बात करें, तो मार्केट की जो पूरी रेंज होगी इस एक्सपायरी के लिए वो 22,000 से 23,000 के बीच ही मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी रेंज के बीच में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है आपके काम काज करते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है कि आपको इसके रेंज के टूटने के बाद फिर एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई दे, तो ऊपरी साइड में मूव आने की उम्मीद मैं ज़्यादा लगा के बैठा हूँ, नीचे की तरफ मुझे मूव आने की उम्मीद कम है, क्योंकि जो करेक्शन होना था बैंक निफ्टी में वो साइजेबल हो चुका है। अगर अब निफ्टी में कोई करेक्शन होता है तो फिर बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।